लगातार मैं अपने अंधे प्यार के खातिर नाइंसाफी करती रही और लगातार तुम इंसाफ के खातिर अपने प्यार को कुर्बान करते रहे। मगर चांदी, ना, कुछ मत बोलना। देखा है मैंने, देखा है कि कितना प्यार करते हो तुम दीदी से और वो तुमसे। बस अब दीदी से फिर से ब्याह कर लेना। मैंने सारे जरूरी कागजात साइन करके वकील अंकल के पास छोड़ दिए हैं। तुमने मेरी जगह नोट बिछा रखे हैं काजल। इतने सारे नोटों की गड्डियां देखकर तुम्हें ऐसे नहीं लगता जैसे हम कोई सपना देख रहे हो? मुझे जागती आंखों से सपने देखने की आदत नहीं है। हटाओ ना मुझे सोना। अरे नहीं नहीं नहीं, आज तुम कहीं और जाके सो जाओ, प्लीज प्लीज प्लीज। अरे मेरी अकल, आज तो तुम्हें जानवी के कमरे में जाना है। चलो किस लिए? वही तो, जैसे तुम कुछ नहीं जानते। ज्यादा नखरे मत दिखाओ, चलो 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 नीचे जाओ। क्या बकवास कर रही हो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। पाजी वाह, ताकि लोग ये कहें कि उस बेचारी भोली वाली लड़की को ठग लिया मैंने। अरे काजल तुम होश में तो हो? तुमने वादा किया था जो मैं कहूंगी वो करोगे। काजल खूब भेज रही हूँ। हाय मेरे नोटों की गड्डियाँ। अगर आप बुरा ना माने तो हमारे घर में काम करने वाले वॉचमैन की एक बेटी है। अगर तुम कहो तो मैं उसे शादी की बात चलाऊं। शादी का खर्च भी मैं उठाऊंगी। You don't have to worry about it. औरत जात के लिए इतना घमंड अच्छा नहीं होता। और वैसे हमारे से अच्छा रिश्ता तुम्हें मिलेगा भी कहाँ? मेरा भतीजा खूबसूरत है, जवान है, पढ़ा लिखा है और फिर हैसियत में भी हम लोग कोई गए गुजरे लोग नहीं है। आज भी जब शहर में अमीरों की गिनती होती है तो तुम्हारे बाद हमारा ही नंबर आता है। मतलब नंबर टू। शायद आप नहीं जानते, आई हेट नंबर टू। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। सब कुछ चुप करा दिया है ना? हाँ, आज के बाद कोई भी तुम्हारी तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। ओ, इज्जत करने लगेंगे ना सब मेरी, जैसे तुम्हारी करते हैं। बड़ी जंग जीत ली ना तुमने, डरा के लोगों की बोलती बंद कर दी। अब कोई मुंह पर कुछ नहीं कहेगा, सिर्फ पीठ पीछे गाली देंगे और थूकेंगे। एहसान किया मेरे पे है ना? मेरे दादू की अर्थी उठा दी, गुंडों से मेरी इज्जत बचा ली, इस खोली में लाकर मेरी इज्जत बढ़ा दी। अभी क्या है मैं, एक गुंडे की रखाल? नहीं, नहीं चाहिए मेरे को तुम्हारा एहसान। सुना, मैं रात दिन काम करूंगी और तुम्हारी पाई पाई चुका दूंगी। जवान जहान लड़की में घर बसा कर बैठने की उम्र में घर घर डब्बा पहुंच जाती हूँ। मेरा बुढ़ा दादू मरते दम तक काम करता था, मेहनत पसीने की दो रोटी कमाकर तब खाता था। अब तुम दूसरों की मेहनत के पैसे छीनकर मजा करते हो और अपने आप को बड़ा इज्जतदार समझते हो। वो क्या खुशी दे देते तेरे को? हाँ, अरे गरीबों की हाय लगी होती है उसमें, लाख लाख बद्दुआएं होती है एक एक पैसे पर। जहर खाएगी मैं अगर इस घर का एक दाना भी मुंह में डाला तो। मैं जाती अभी इसी वक्त। सुना, चाहे टांग तोड़ दो चाहे जान से मार डालो, मैं अभी इधर एक मिनट नहीं रुकेगी, जाएगी मैं किधर भी। लीजिए ना, पीजिए ना चाय। थैंक यू। ये आपके हाथ क्यों कांप रहे हैं? वो कल रात को ज्यादा पी ली थी ना इसलिए। क्या पीती है? हाँ, आधी बाटली तो रोज का कोटा है। आधी बाटली? हाँ, मूड आ गया था पूरी बाटली। सॉलिड प्योरी है बाप। मैं क्या कहूँ, शादी के बाद आपको सब कुछ पता चल जाएगा। वैसे आपके फ्लैट का नंबर क्या है? 107। क्या इसका मतलब आज मटके में 21 से 7 आएगा? क्या आप मटका भी खेलती हैं? लो डैडी भी खेलते हैं। क्या? हाँ, लेकिन मम्मी को फ्लैट का नंबर ना बताना। क्यों? क्या है ना कि मम्मी को रेस खेलने का शौक है। अभी आपके फ्लैट का नंबर 107। अब मम्मी 1 और 7 नंबर के घोड़े पे घर का पूरा माल लुटा देगी। लगता है इस फैमिली में बस एक डाकू की कमी है। वो भी नहीं रहेगी। क्या? जब आपकी और मेरी शादी हो जाएगी ना, और जब पैदा होगा ना, तो हम उसे चंबल भेज देंगे ट्रेनिंग के लिए। डैडी। यस बेटा। क्या हुआ मम्मी? क्या हुआ? चलिए जल्दी।